दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की पहचान बन चुके काशी के विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली के लिए काशी के घाट पूरी तरह से सज के तैयार हैं। और आज 7 तारीख को देव दीपावली के अवसर पर काशी के घाटों पर करीबन 12 लाख दियों से सजावट की जाएगी। इस त्यौहार और आयोजन के बारे में बहुत सारे मिथ और कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। क्या घाट का माहौल है देर शाम की तैयारियों को लेकर के? तमाम घाट जितने भी हैं, आप इस तरफ अगर दिखाएं, मैं अपने सहयोगी से कहूँ तो जितने भी नाव और बजरे हैं वो पूरी तरह से सज के तैयार हैं। गंगा की लहरों पर सवार होकर पर्यटक आएंगे और जो ये इस पूरे 80 घाट पे यानी कि 8 किलोमीटर की लंबाई में जो ये घाट फैले हुए हैं, 12 लाख दियों से सज के तैयार होंगे। हर घाट पे अलग अलग जो छोटी छोटी समितियां हैं उनको दिए लगाने का जिम्मा सरकार की तरफ से दिया गया है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, क्योंकि जो लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र किसी तरह की भगदड़ न हो, कोई अव्यवस्था न हो, उसको लेकर के कई ज़िलों की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। अभी हम मौजूद हैं तुलसी घाट पर और इस आयोजन से जुड़ा हुआ एक मिथ है, या मिथ कहा जाए या एक पौराणिक कथा है, कि जब त्रिपुरासुर जो असुर था उसका वध महादेव ने किया था, तो उसके बाद जो पूरे देवतागण हैं उनकी स्तुति करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए काशी में आए थे। और देवोत्थान एकादशी के पाँचवें दिन जो है वो देव दिवाली का आयोजन किया जाता है। और उसी त्रिपुरासुर असुर का जो प्रतीकात्मक एक पुतला है वो यहाँ तुलसी घाट पे लगाया गया है। और शाम को जब इसको जब जलाया जाएगा उसके बाद से ही दिए लगा करके और इस देव दिवाली का आयोजन शुरू हो जाता है। लोग नौकाओं पे जाते हैं, गंगा की लहरों पे जा करके बाकायदा इस जो आयोजन होता है इस भव्य आयोजन को देखते हैं। इसके अलावा एक और कहानी इसके प्रचलित है, ये जो आयोजन इतना बड़ा भव्य हुआ है वो कैसे बना है, उसके पीछे एक कहानी है कि 37 साल पहले पंचगंगा घाट पर कुछ युवाओं ने देवोत्थान एकादशी के पाँचवें दिन कुछ दिए लगा करके शुरुआत की थी। धीरे धीरे ये आयोजन 1992 का जब दौर बीता और जो राम मंदिर आंदोलन हुआ उसके बाद इस आयोजन में बहुत तेज़ी आई, और धीरे धीरे जब योगी सरकार आई है तो उसके बाद से सरकारी संरक्षण इस आयोजन को मिलने लगा है, जिसके बाद से ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा बृहद हो गया है कि अब नित नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। इस बार 12 लाख दिए लगाए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की अगर बात करें तो वहाँ तकरीबन 50 टन से ज़्यादा फूलों से उसको सजाया जा रहा है। चेत सिंह घाट है, वहाँ पे देर शाम को अंधेरा होने के बाद जब आरती हो जाएगी उसके बाद बाकायदा एक लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो शिव और गंगा की जो कहानी है वो लोगों को बताई जाएगी। तो उसका आनंद जो है वो गंगा की लहरों पर बैठ करके नौका से लोग देख सकते हैं। इस बार 12 लाख दिए लगाए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की अगर बात करें तो वहाँ तकरीबन 50 टन से ज़्यादा फूलों से उसको सजाया जा रहा है। चेत सिंह घाट है, वहाँ पे देर शाम को अंधेरा होने के बाद जब आरती हो जाएगी उसके बाद बाकायदा एक लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो शिव और गंगा की जो कहानी है वो लोगों को बताई जाएगी। तो उसका आनंद जो है वो गंगा की लहरों पर बैठ करके नौका से लोग देख सकते हैं। एक बड़ा आयोजन है निश्चित तौर पर, जो एक सांस्कृतिक पर्यटन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आयोजन को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। और आज अब ये स्थिति हो गई है कि आज के दिन यानी कि काशी में जब ये देव दीपावली का आयोजन होता है तो यहाँ पे बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं होती है। अभी हम एक बार फिर से अपने सहयोगियों को दिखाना चाहेंगे कि दूर तक आप नज़ारा देख लें तो घाटों पर सिर्फ लोगों की चहलकदमी दिख रही है। लोग बिल्कुल अच्छे से सज संवर करके यहाँ पर आए हुए हैं और घाटों पर चहलकदमी कर रहे हैं। सबको बस अब इंतज़ार है कि जैसे ही शाम होगी तो कब दिए जलाए जाएंगे, और उसके बाद आरती होने के बाद जब वो नज़ारा होता है, वो जो अद्भुत अद्वितीय और अलौकिक नज़ारा होता है, उसको एक क्षण अपनी नज़रों में कैद करने के लिए, मोबाइल में कैद करने के लिए लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक झा।